पॉजिटिव्स की बात कर रहे थे मुइन, उसके साथ साथ रूम फॉर इंप्रूवमेंट कहाँ कहाँ है उस पर भी हम बात कर लेते हैं। शान मसूद का जिक्र किया बाबर आजम ने, शान मसूद ने आज एंकर इनिंग खेली, उनके आप 50-51 रन निकाल लें तो शायद बिल्कुल ही वन साइडेड मैच हो जाता, बट वी एक्सपेक्ट बेटर फ्रॉम शान मसूद, ही इज़ अ बेटर बैट्समैन दैन दैट। नहीं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन देखें जब दो विकेटें गिर गई थी बाबर और आपके इन फॉर्म बैट्समैन जो कंसिस्टेंटली आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहे थे जहाँ पे ईजी हो जाता था नीचे आने वालों के लिए, वहाँ पे एंकर रोल प्ले करना बहुत ज्यादा जरूरी है दोनों की एब्सेंस में। थोड़ा सा कंपेयर कर लूँ अगर आपकी इजाजत हो तो, sure. विराट कोहली उसी सिचुएशन में थे, हार्दिक पांड्या उसी सिचुएशन में थे, उससे भी ज्यादा खराब सिचुएशन थी, चार विकेट गिर गए। विराट के रिकॉर्ड्स तो देखें, हाँ मैं इसलिए डर डर के मैंने किया, बट आप शान को अगर कंपेयर, अपना भी तो नेशनल टीम का लड़का है ना, बट नेशनल टीम नो डाउट, बट यू कांट कंपेयर एक एप्पल टू बनाना। मेरा ख्याल है कि अभी तो आपने बनाना को टीम में क्यों रखा हुआ है, फिर एप्पल बनाना लेके आए बनाना एप्पल बनाना इन मेकिंग, बिल्कुल वो अच्छा प्लेयर है, वो परफॉर्म करके आया है और उसने बार बार नॉक किया पाकिस्तान क्रिकेट के डो को, यू नो दैट्स व्हाई उसको सिलेक्ट करना पड़ा मजबूरन, वरना वो इससे पहले अगर आज से दो साल पहले आप सोचें तो वो T20 फॉर्मेट का प्लेयर ही उसको नहीं माना जाता था, यू नो तो उसने कॉन्स्टेंटली परफॉर्म कर करके, बट आज जो रिक्वायरमेंट थी जो डिमांड थी इस वक्त इस सिचुएशन की एंकर ने एंकरिंग की थी, यू नो और उसने प्रूफ किया उस वक्त, और जब रन बनाना जरूरी था वहाँ रन भी बनाए और उसके साथ साथ एक पार्टनरशिप जो इफ्तिखार के साथ बिल्ड हुई, तो आई थिंक जब आप सेट हो जाते तो आप अपने साथ जो दूसरा आपका पार्टनर होता है उसको भी चला रहे हो। अच्छा मोइन एक और चीज़ है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर ये वर्ल्ड कप तो आप तो वार्म अप तो नहीं चल रहे हैं ना, जी जी आज पहला मैच हो गया, आप ये दो तीन दिन बाद फिर आ जाएगा तो वो फखर को कहाँ कब खिलाना है और क्या करना है और क्या करना है, 100% भी नहीं है तो रिजर्व से उनको भी लेके आया गया इस टीम में, तो आपकी टीम तो फिर चेंज होगी, अब उसको कहाँ खिलाएंगे। और फिर ये मसला भी आ जाता है कि तीन पे अगर शान, शान अच्छा आज खेल रहा है तो अगले मैच में अगर फखर को लेके आते हैं तो उसको हैदर को बिठाना पड़ेगा। आके बात ये भी है ना कि खिलाएंगे किधर, अगर शान मसूद ये ठहराव प्रोवाइड नहीं करते मिडिल में और फखर उसी तर्ज पे आके खेलते हैं जिस तरह हैदर अली ने खेलना है, जिस तरह आसिफ ने खेलना है, किस नंबर पे खेलेंगे, किस नंबर पे खेलना है। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट प्रोग्राम स्कोर के एंकर पर्सन सैयद जायो सैनी हमें ज्वाइन कर चुके सर।